आप सभी मेरे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, शुरुआती स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही फेमस कायदा है। इस कायदे के रियाज से उनका हैंड फ्रेश होगा, हैंड में वेट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप कायदे के बोल नोट करेंगे। बोल हैं घे घे ते टे घे घे ना ना के ते टे घे घे ना ना, ठीक है। इस कायदे को लिख लेंगे आप, और ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया हूँ। मात्रा में है, तीन ताल में है, ठीक है। तो गेस करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। चलिए इसे बजाना सीखते हैं। देखिए, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। यदि आप स्किप करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम बजाएंगे सेम उसी तरीके से आपको बजाना है, ठीक है। और जैसे रियाज करने का तरीका इस वीडियो में बताएंगे सेम उसी तरीके से रियाज भी करना है, ठीक है। यदि आप शुरुआती से तबला सीखना चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए देखिए कैसे बजाएंगे। घे घे बजाने के लिए सबसे पहले इस दोनों फिंगर से डग्गे पर आघात करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका घे, और दो बार इसे बजाएंगे तो हो जाएगा घे घे। तो जब घे घे बजाएं तो इन दोनों फिंगर को चलाएं, ठीक है। ये एक साथ रहेगा, ये और ये अलग, ठीक है। घे घे, ठीक है। उसके बाद टे टे बजाएंगे स्याही के बीच में, टे फर्स्ट फिंगर से टे टे टे, ठीक है। घे घे टे टे, उसके बाद बजाएंगे घे घे ना ना। घे घे नाना कहाँ बजाएंगे? घे घे तो डग्गे पर बजाएंगे, ठीक है। घे घे ना, अब बजाएंगे के ते टे। के ते टे कैसे बजाएंगे वो देखिए। ये हो जाएगा आपका के, ठीक है। के दो बार बजाएंगे के ते टे, स्याही के बीचों बीच ते ते के ते टे, ठीक है। अब बजाएंगे घे घे ना ना, ठीक है। के ते टे घे घे ना ना, ठीक है। अब सारे बोल को एक साथ देखिए। घे घे ते टे घे घे ना ना के ते टे घे घे ना ना, ठीक है। समझ गए? तो ये हो गया आपका कायदा कंप्लीट, आप सीख लिए। अब देखिए इसे रियाज कैसे करेंगे वो देखिए। रियाज करने का भी एक तरीका होता है। मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारे लोग हमें वीडियो भी सेंड करते रहते हैं बीच बीच में, तो मैं देखता रहता हूँ कि बोल तो बहुत ही अच्छा बजाते हैं, ठीक है, लेकिन जो रियाज करने का तरीका है वो बजाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी लय ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। तो इसके कारण क्या है कि मात्रा कट सकती है, ठीक है। ये मात्रा ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप इसे एक लय में रियाज करें, और किस लय में रियाज करें तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ठा की लय में रियाज करें, और मैं हमें लगता है कि जितने भी कायदे पलटा रेला और भी बहुत सारे कहरवा दादरा रूपक ताल पैटर्न ये जितने भी हमने बताया उस सारे में हमने एक बार ज़रूर इसका जिक्र किया है कि आप उसे चाहे वो चौगुन की लय में ही क्यों ना बजाया जाता हो बोल, जैसे मैं रेला या कहरवा ताल पैटर्न, ठीक है, चौगुन की लय में क्यों ना बजाया जाता हो, सबसे पहले आप उसे सीखते हैं तो उसे ठा की लय में रियाज ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपका जो है तबले पर हाथ बैठेगा, और जब हाथ बैठ जाएगा तो फिर आप चौगुन बजाएँ अठगुन बजाएँ आप अपने हिसाब से बजाएँ, है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले ठा के लिए में रियाज करना चाहिए। अब देखिए ठा के लिए में रियाज करेंगे कैसे। ठा के लिए तो आपको पता ही है, मैं तो लगभग हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ कि एक मात्रा में एक मात्रा बोलना या बजाना ठा के लिए कहलाती है, ठीक है। देखिए कैसे बजाएंगे। ये हो जाएगा आपका घे घे टे टे घे घे ना ना के के टे टे घे घे ना ना। इस तरीके से कम इसे आधा घंटा रियाज करें, बिल्कुल इसी लय में। उसके बाद फिर आप इसका दोगुन करें, दोगुन एक मात्रा में दो मात्रा बोलना या बजाना, समय एक ही रहेगा, बस इसमें दो बार इसे बजा देना है, ठीक है। घे घे टे टे घे घे ना।
क्या चौगुन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो चौगुन के लिए में एक मात्रा में चार मात्रा बोलना या बजाना चौगुन के लिए कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौगुन की लयता कंप्लीट। तो इस तरीके से आप रियाज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यदि आप अभी रियाज करते हैं तो आगे जा कर के बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, तो इसीलिए शुरुआती से ही अच्छे करते हुए चलें कि आगे जा कर के कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप रियाज करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, और यदि शुरुआती से तबला सीखना हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।